स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम, 100 इंडेक्स 57,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर गया। कारोबार के चौथे रोज जबरदस्त तेजी के साथ 100 इंडेक्स में 450 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2.08 रुपए की कमी, डॉलर 286.06 रुपए पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता हुआ और 299 रुपए में फरोख्त हो रहा है। खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की अपेक्स कमेटी का अहम इजलास, निगरान वज़ीरे आज़म अनवारुल हक काकड़ अपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत कर रहे हैं। मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। सरमायाकारी कौंसिल की अपेक्स कमेटी के इजलास में सिविल और अस्करी क्यादत शरीक, तमाम वज़रा आला और वफाकी वज़रा भी इजलास में शरीक। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ का लाहौर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा। मरियम नवाज, इसाफदार, अहसन इकबाल समेत दीगर पार्टी रहनुमा भी कायदीन के हमराह। चैंबर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा, हम पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात को समझते हैं, आपसे हमेशा मुशावरत की है और मुशावरत से ही आगे बढ़ेंगे। हमारी बनाई गई पॉलिसियों को भारत ने अपनाया और मुआशी तरक्की हासिल की। 1990 के बाद से हमने कारोबार को रिवायती दायरों से आजादी दिलाई। हमने पॉलिसियां बनाई तो खजाना भरना शुरू हो गया। हमने 4 साल डॉलर को 104 पर बांध कर रखा। आज ये हालत हो गई कि 1-1 अरब डॉलर के मोहताज हो गए। हुकूमत ने हज पैकेज में 1 लाख रुपए की कमी कर दी। पाकिस्तान में आने वाला हज गुज़श्ता हज से सस्ता होगा। वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आइंदा हज 10,75,000 में होगा। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। स्मोग ने एक बार फिर मुल्क भर में खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में 470 पॉइंट्स के साथ दूसरे, कराची 183 IQ के साथ चौथे नंबर पर आ गया। पेशावर की फजा में भी आलूदा जरात बढ़ने लगे। लाहौरियों में खांसी और नजला समेत मुख्तलिफ अमराज भी बढ़ने लगे। पंजाब में हेल्थ एमरजेंसी नाफिज।